Here we go. Third match, Thunder Officials versus M7 OGs. राउंड वन रूनस, लेट्स सी कौन प्रेशर देती है सामने वाली टीम पे फर्स्ट राउंड विन करके. यार क्योंकि बेसिकली दोनों ही टीम्स बहुत ही एक्सपीरियंस स्किल्स और स्ट्रेटेजी के साथ खेलने वाली एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं दोनों ही टीम्स में. कॉम्पी के एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है टूर्नामेंट में जितनी भी टीम्स आती हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस और अच्छा ही खेलने वाली आती हैं, तो इसमें कोई नहीं कह सकते कि कौन सी टीम अच्छी है कौन सी नहीं. दोनों ही टीम्स अपना बेस्ट परफॉर्म करती हैं, बट यहाँ पे ये है कि अल्टीमेट एरिना में जिसने करीब का जोन स्ट्रेटेजी के साथ और टीम के साथ वर्क किया वो यहाँ पे फायदा उठा लेगी. वुल्फ को बिल्कुल 10 HP भी नहीं, 5 HP यहाँ पे डैमेज दिया है पांडा की तरफ से. ऑगी को काफी डैमेज दिया गया है शहाब की तरफ से. अंकल प्लेज और वुल्फ यहाँ पे दोनों नॉकआउट हैं. ऑगी वहां पे नॉकआउट है, उसी के साथ बात करें तो शहाब भी नॉकआउट है. दोनों प्लेयर्स के दो दो बंदे यहाँ पे नॉकआउट हैं. ये फाइट लेते हुए यहाँ पे पांडा को नॉक दिया गया है और गोस को भी यहाँ नॉक दिया गया है. अगेन गोस्टी रिवाइव देते हुए पांडा पे. शहाब यहाँ पे नॉकआउट है बट ऑगी को रिवाइव मिल चुका है. 3v2 की फाइट है. ओके यहाँ पे अंकल प्लेस को नॉक दिया गया है जोकर की तरफ से. ऑगी यहाँ पे नॉकआउट है. लेट्स सी, थंडर को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है और फर्स्ट राउंड हमारा जाता है M7OGs को. M7OGs ने यहाँ पे फर्स्ट राउंड हमारा विन करके थंडर्स पे थोड़ा सा प्रेशर डाला है, बट राउंड टू हमारा शुरू होता है पोचिंग की साउथ का. लेट्स सी के कौन ये विन करता है कि कम बैक करके वन का स्कोर बराबर करती है थंडर ऑफिशियल्स और दो की लीड के साथ ऊपर जाती है M7OGs. बिल्कुल आइडिया नहीं था. वुल्फ ने अच्छा डैमेज दिया है यहाँ पे. पांडा को नॉक दिया गया है. गोस्टी बिल्कुल 10 HP यहाँ पे वुल्फ को नॉक दिया गया है. उसी के साथ बात करें तो गोस्ट ने जंप किया है, बस गोस्ट को भी यहाँ 10 HP किया गया है अंकल प्लेस की तरफ से. लेट्स सी गोस्ट यहाँ पे हील अप करते हुए. दोनों के एक एक मेंबर्स नॉकआउट थे, रिवाइव दिए गए थे बट नो. यहाँ पे थंडर के दोनों अगेन नॉक दे दिए गए हैं, थंडर ओजी भी और वुल्फ भी. तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त मूव शहाब की तरफ से, जंप आउट करके गोस को भी यहाँ पे नॉक दिया गया है. जोकर अकेले सरवाइव करते हुए. लेट्स सी के ये अपनी टीम के लिए विन निकाल पाते हैं या नहीं. शहाब ने बिल्कुल रश कर दिया है यहाँ पे. ओके और यहाँ पे शहाब ने एलिमिनेट कर दिया है. दो राउंड्स अभी तक विन किए हैं यहाँ पे M7OGs में, तो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है यहाँ पे थंडर ऑफिशियल्स के लिए. एक भी राउंड अभी तक विन नहीं कर पाई है थंडर ऑफिशियल्स. राउंड 3 की बात करें, ओपन फील्ड राउंड. लेट्स सी कि यहाँ पे थंडर कम बैक कर पाती है या 3-0 का स्कोर यहाँ पे सिक्योर करती है M7OGs. Let's go. के नेट की बारिश शुरू थंडर की तरफ से, बट M7OGs ने यहाँ पे आगे होल्ड कर लिया है और दो बंदे इनके पीछे से मूव आउट करते हुए ओजी को यहाँ पे नॉकआउट दिया गया है. ओजी को फुल भी कराया गया और साथ ही वुल्फ को डैमेज दिया गया है नेट से. अंकल पे नेट करते हुए वुल्फ लेट्सी डैमेज नहीं दे पाए. मॉली किया गया है अंकल की तरफ से बट नो डैमेज. ओके
ओके गोस को भी यहाँ पे नॉक दिया गया। आई थिंक थंडर इस मॉली से डैमेज, बिल्कुल डैमेज हुए हैं थंडर यहाँ पे। और पंकल ने यहाँ पे रश करते हुए थंडर को और इसी के साथ एलिमिनेट कर दिया। बहुत ही जबरदस्त M7 OG, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश ना लेते हुए फाइट लेते हुए स्ट्रेटेजी के साथ मूव करती हुई 3-0 का स्कोर कर चुकी है। अब हैवी प्रेशर है थंडर ऑफिशियल्स के लिए, क्योंकि अगर अब उन्होंने लूज किया तो एलिमिनेट हो जाएंगे NA7 अल्टीमेट अरीना लीग चैंपियनशिप से। तो लेट्स सी कमबैक कर पाती है यहाँ पे थंडर ऑफिशियल्स और नहीं। M7 OGs की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त प्ले करते हुए स्ट्रेटेजी के साथ दो बंदे आगे हुए और दो बंदे पीछे कवर से देते हुए तीनों राउंड अभी तक विन किए हैं। राउंड 4 हमारा फेरी पेयर का। वे अब आप कोई कर रहे हैं मैच की बिगिंस क्या? आप कोई मैच को कर रहे हैं अभी स्पेक्टेड? हाँ, M7 वर्सेस थंडर बस लास्ट मैच है, मे बी 3-0 से विन कर रही है भी। ओ जीस, लेट्स सी लेफ्ट भाई क्या सिचुएशन। हाँ, कितना रहता है इनका मैच? 3-0 से विन किया है भाई M7 OGs ने। विन कर गई है, अभी विन नहीं किया है, 3-0 स्कोर है। वो जीत गई है यार इन्होंने। जेन 2 भी NXT नबील भाई डेमन लग खत्म करना खत्म करना है। ओके, शहाब को नॉक फिनिश दे दिया गया है। थंडर को काफी डैमेज दिया गया है। नबील भाई 3-0 चल रहे हैं, बस पे नबील भाई भी आ जाएंगे सेकंड में ना। चलो सही हो। ओए जैन, मेरी डेनवर वाली आईडी आएगी, ठीक है? तुम लोगों के साथ अगर खिलाना तो नहीं 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 नहीं, वो चित्तू वाले अकाउंट से आ जाना। मलंग से बात होगी, अपने रिकॉर्डिंग में आवाज जा रही है तुम लोगों की, उस अकाउंट से आ जा। नाम तो देखो तुम लोगों ने रखा क्या उस अकाउंट का। भाई यहाँ पे बात करें, पांडा अकेले मूव आउट कर चुके हैं, तीन बंदे यहाँ पर इस वक्त हैं, चौथा भी आ चुका है। एक नॉक, दो नॉक, सीरियसली पांडा को भी यहाँ पे नॉक दे दिया गया है। तीन नॉक इस वक्त थंडर के, थंडर बोल अकेले सरवाइव करते हुए, बट लेट्स सी। नो, यहाँ पे 4-0 के साथ M7 OGs ने विन किया है। थंडर की बात करें तो एक ही किल कर पाए हैं थंडर गोस्ट, उसके अलावा किसी ने भी किल सिक्योर नहीं किया है। बात करें M7 OGs की, बहुत ही जबरदस्त 4-0 के साथ यहां पे विन किया है। 4 के कॉम्बो के साथ 8 किल सिक्योर किए हैं अंकल प्लेस ने 1174 डैमेज के साथ। M7 गोस्टी के 3 कॉम्बो के साथ 4 किल सिक्योर किए। M7 चहाब ने 2 किल और M7 पांडा ने भी यहाँ पे 2 किल सिक्योर किए। चलो जमन रूम बना ले।